दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिकर कॉमिक्स में, जहां आज हम बात करेंगे स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के बारे में, लेकिन बिल्कुल स्पॉइलर फ्री तरीके से, क्योंकि कुछ चीजें सरप्राइज के बिना ही अधूरी होती हैं। जैसे छोले भटूरे के बिना चटनी, छोले भटूरे के साथ चटनी कौन खाता है, अचार। तो सबसे पहले इस मूवी की स्टोरी लाइन के बारे में बात करते हैं। इस मूवी में हमारे प्यारे स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर माइल्स मोरेलिस वाला स्पाइडरमैन एक नई दुनिया में फंस जाता है, जहां पे उसको स्पाइडरमैन के बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, अपने खुद के वेरिएंट्स अलग अलग तरीके के, जैसे स्पाइडर पंक, पवित्र प्रभाकर, स्पाइडरमैन 2099, जेसिका डू की स्पाइडर वूमेन, और भी कई सारे स्पाइडरमैन जो कि हमें मूवीज में दिखाए गए हैं, और कुछ तो सरप्राइज भी है। अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया तो शायद आपकी मूवी स्पॉइल हो जाए, तो स्पॉइल ना होने की वजह से मैं नहीं बताऊंगा और कौन कौन से स्पाइडरमैन इसमें दिखाए गए। स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में बहुत ही अजीब तरीके का विलन दिखाया है, जिसका नाम होता है डार्कस्पॉट। उसकी बॉडी व्हाइट कलर की होती है और उसकी बॉडी में ब्लैक कलर के बहुत सारे डॉट्स पड़े रहते हैं, जिनकी मदद से वो अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो सकता है, और इतना ही नहीं वो अलग यूनिवर्स या अलग मल्टीवर्स में भी जाके टेलीपोर्ट हो सकता है, और इस पावर से वो काफी खतरनाक विलन बन जाता है, क्योंकि स्पाइडरमैन पहले उससे बहुत हल्के में लेता है, माइल्स मोरेलिस वाला स्पाइडरमैन, और उसके वजह से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो उसको बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं, इसलिए बदला लेने के लिए वो माइल्स मोरेलिस का परिवार खत्म करने की कोशिश करता है। तो अब बात करते हैं इस मूवी की विजुअल्स की। भाई ये मूवी 3D एनिमेशन में है, और विजुअल इफेक्ट देखने के बाद तुम कहोगे ये क्या है, एकदम कॉमिक एक्यूरेट लगता है, बहुत ही जबरदस्त 3D एनिमेशन दिखाया है। मैंने अपनी लाइफ में जितनी भी 3D एनिमेशन मूवी देखी है उनमें सबसे बेस्ट एनिमेशन इसका है, और जब तुम मूवी देखोगे ना तुमको लगेगा नहीं कि तुम एक कोई 3D एनिमेटेड मूवी देख रहे हो, तुमको ऐसा लगेगा कि तुम कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, कॉमिक बुक चल रही है होलोग्राम में, ऐसा लगेगा के साथ इसका 3D इफेक्ट, कमाल का एनिमेशन स्टाइल। स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स से भी ज्यादा इसका एनिमेशन अच्छा है, एकदम कॉमिक एक्यूरेट लगता है, और कलर ग्रेडियंट तो कमाल के रखते हैं, और कहीं कहीं पे वो कॉमिक बुक वाले जो डॉट्स होते हैं ना वो भी कहीं कहीं दिखेंगे तुमको। और इस मूवी में कॉमेडी फुल ऑन है, डायलॉग और पंचेस आपको हंसा हंसा के आपको पागल कर देंगे, और हमारे स्पाइडरमैन तो है ही मजाकिया, तुमको गारंटी है इसको मजा और तुम्हारे चेहरे पे हंसी जरूर आएगी, कमाल की मूवी है ये। और स्पाइडरमैन तो है ही मजा किया अपने, आजकल कॉमेडी को ज्यादा ही करने लगे, लेकिन इस मूवी का एंड का क्लिफहैंगर से भरा हुआ, मतलब आप एक्साइटेड हो जाओगे कि अगली स्पाइडरवर्स की मूवी कब आएगी यार, इतना जबरदस्त तो क्लिफहैंगर बाहुबली का नहीं था, ना ही इंफिनिटी वॉर का जितना अच्छा इसका था। और भाई तुम वेट करोगे तड़पोगे एकदम मछली की तरह, जैसे मछली बिना पानी तड़पती ना वैसे तड़पोगे, तुमको लगेगा यार मुझे अभी देखना इसका सेकंड पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट, सेकंड तो है ये, और तुमको ऐसा फील होगा अंदर से जैसे तुमको किसी ने चाय पे बुलाया पर बिस्कुट देना भूल गया, ये कैसा एग्जांपल। तो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पे मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन 2099 की ओरिजिन के बारे में, और कमेंट में तुम मुझे जरूर बताना कि तुम किस स्पाइडरमैन की ओरिजिन स्टोरी देखना चाहते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।